वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ असमान। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड्स भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, इतवार बाजार से मैं 10 चूज़े लेके आया था जिसमें 9 मर गए, कोई कैसे कोई कैसे। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो मेरी जो एक बच गया था वो हमारे साथ ही नीचे कमरे में रहता है, आज की वीडियो मैं उस पर बना रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं। फ्रेंड्स, ये चारपाई देख रहे हैं आप, इसके नीचे भी ये बॉक्स में रखा हुआ है इसको, के सारे बहन भाई मर गए हैं, ये बस एक रह गया है। अभी इसको बाहर निकालेंगे, ये हमारे साथ ही रूम में रहता है। ये देखें, बॉक्स खोलते ही ये निकल आया है बाहर, और ये अभी मेरे पाँव में आ रहा है। जैसे जैसे मैं चलूँगा इसने मेरे साथ चलना है। अभी इसको भूख लगी है, ये मेरे साथ ही चल रहा है। ये देखे मेरे पाँव में, बहुत ही प्यारा है ये। इसकी गर्दन पे बाल नहीं है, सर पे हैं और नीचे जिस्म पे हैं, गर्दन पे नहीं है। ये मुझसे खाना मांग रहा है, इसको भूख लगी हुई है। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। बिल्ली की वजह से इसको नीचे रखा हुआ है, बिल्ली नहीं छोड़ती इनको। ये अभी मेरे पीछे भागने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैं हिल रहा हूँ तो ये मेरे साथ जाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा हमारे साथ घुल मिल गया हुआ है। जब इसको हम निकालते हैं तो ये हम सबके पीछे भागता है, जो भी चल रहा हो। बॉक्स में बंद करने की वजह से ये इतनी जल्दी बढ़ भी नहीं रहा। ऊपर मेरे पास केज भी हैं, लेकिन मुर्गियाँ वो इससे बड़ी हैं, वो सब इसको मारती हैं, और इसको अलग मैं बंद नहीं कर सकता ऊपर, क्योंकि बिल्ली इसको डराएगी तो ये बिल्ली के डर से ही मर जाएगा अगर इसको खाएगी नहीं भी तो। इसलिए ये नीचे हमारे साथ ही रूम में एडजस्ट हो गया। ये काफ़ी हद तक घुल मिल गया है, इसको जितनी देर भी हम बाहर निकाल के रखेंगे इसने कोई गंद नहीं मचाना, ऐसे इसने घूमते रहना यहाँ वहाँ। अभी इसके लिए मैं पानी गर्म कर लूँगा, नीम गर्म पानी दूँगा इसको, सर्दी बहुत है, सर्दी में अगर इसको ठंडा पानी दूँगा तो ये बीमार हो जाएगा, इसका गला पकड़ा जाएगा और ये बीमार हो जाएगा। इंसानों की तरह जानवरों की भी केयर करनी पड़ती है। पानी इसका गर्म होने के लिए रखा हुआ है मैंने, ओवन चल रहा है। अभी कुछ सेकंड में ही पानी गर्म हो जाएगा। पीछे भागता है, जो भी हो उसके पीछे ही भागता है। ये बच्चे हमारे घर आए होते हैं कभी कज़न लोगों के, तो और एक सामने से वो छोटी बच्ची आती है हमारे घर, इसको बाहर निकालो तो ये फिर भागता है, उनके पीछे डरते हैं। पानी साफ पड़ा हुआ, इसमें ही मिक्स कर दूंगा मैं इसको, ये दिन को रखा था। पानी वैसे भी ये बहुत कम पीता है, जो मुर्गी या मुर्गा बीमार हो जाएगा वो ज़्यादा पानी पीते हैं, ये बहुत कम पानी पीता है। कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह ये मुर्गी होगी मेरे ख्याल में, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। जितनी मुझे समझ है मेरे हिसाब से तो ये मुर्गी है पक्का। आज मैं ऊपर छत पे नहीं गया,
असील मुर्गियां और दूसरी मुर्गियों को मैंने दाना पानी नहीं डाला। घर में कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, तो इसलिए मैं ऊपर नहीं गया। पूरे घर में ये घूमता रहता है, इसको बाहर निकालो तो। ये देखें फ्रेंड्स, बिल्ली यहाँ भी आ गई है और ये बिल्ली से डर के फौरन भाग गया है कमरे में। बिल्ली ने मेरे 3-4 चूज़े खाए थे बीच में से, कुछ बीमारी से मर गए थे, इसलिए मैंने इसको नीचे रखा हुआ है। अंदर भाग गया रूम में, वो सामने है। चारपाई के ऊपर चल गया। अभी इसको मैं बॉक्स में बंद कर दूंगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने वर्ड्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।